रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के हसनगंज निवासी श्रमिक अनूप कुमार की मौत के मामले में परिजनों के आक्रोशित रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को श्रमिक के शव के पोस्टमार्टम होने के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजन आरोपियों के दरवाजे पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जिसकी वजह से अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उधर परिजनों का यह भी कहना है कि मृतक अनूप का शव अभी तक परिजनों को सौंपा नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय लाइव टीवी। हमारे आदमी का मारने के भी लेके बिल गटई बहुत मारे ने गटई डाल दे रे ने अबे नीक ने गटई डाल दे ने गटई तू डाले ने घुमा घुमा के और उसके पैर भी तोड़े उसके हाथ भी तोड़े हैं। अरे नौ बच्चा मैं साथ चाहिए बस। अरे देखो सब में पुलिस ने कोई कार्रवाई किया कि नहीं? कोई नहीं किया कार्रवाई, सब तो हुए थे। कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस की कोई सुनता भी नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही यार। मिट्टी भी हमारी रोक लिया थाने ने, मिट्टी भी हमारी रोक लिया थाने ने, मिट्टी भी नहीं आने दे रहे। मिट्टी आप लोगों को नहीं मिला अभी तक, सब नहीं मिला अभी तक। नहीं अभी नहीं मेरी मिट्टी आ पाई, थाने में रोक लिया गया।